Hello my dear friends, welcome to Mahi classes. Myself Vidya Gupta. In today's video we are going to see MCQ of chapter number 1st geography class 10th. ठीक है, उस चैप्टर का नाम क्या है, रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट. आज हम उनके MCQ देखेंगे. ठीक है, सो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है. पहला क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, लैंड दैट इज लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 एग्रीकल्चरल ईयर इज कॉल्ड. ऐसा लैंड जिसको हम 5 साल से ज़्यादा समय तक छोड़ देते, उसमें कोई कल्टिवेशन नहीं करते, उस लैंड को हम क्या कहते हैं, उस लैंड को हम कहते हैं कल्चरेबल वेस्ट लैंड. ठीक है, नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल्स हैज सेल्फ एरिएशन कैपेसिटी. किस सॉइल के पास है कौन सी सेल्फ एरिएशन कैपेसिटी, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्लैक सॉइल. ठीक है, नेक्स्ट क्या है, रिसोर्सेस विच आर फाउंड इन अ रीजन बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज और कॉल्ड. ऐसे रिसोर्सेज जो अवेलेबल है, ठीक है, बट हम उनको यूज नहीं कर रहे, वो अभी तक यूज नहीं किए जा रहे हैं, वैसे रिसोर्सेज को हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल रिसोर्स. क्या हमारे रीजन में अवेलेबल है बट हम उसे यूज नहीं कर रहे हैं, तो वैसे रिसोर्सेज को क्या बोलेंगे, पोटेंशियल रिसोर्सेज. ठीक है, ब्लैक सॉइल इज डिफिशियंट इन, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फॉस्फेरिक कंटेंट्स. ठीक है, नेक्स्ट क्या है, लेटराइट सॉइल इज वेरी यूजफुल फॉर ग्रोइंग व्हाट. इसमें पूछ रहा है लेटराइट सॉइल में सबसे अच्छा क्या होता है, यहाँ पे ऑप्शन है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या क्या लेटराइट सॉइल में हम लोग उगा सकते हैं, टी की प्लांटेशन हो सकती है, कॉफ़ी की एज वेल एज कैश्यू नट्स. ये तीनों जो हमारे पास, ये किस मिट्टी में होते हैं, लेटराइट सॉइल में. ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ब्लैक सॉइल्स आर कॉमन इन, जो ब्लैक सॉइल होती है सबसे ज़्यादा कहाँ मिलती है, कॉमन पूछ रहे. ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, डेक्कन ट्रैप रीजन. ठीक है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट क्या है, ब्लैक सॉइल इज ऑल्सो कॉल्ड, वहाँ पे था कुछ और, अरे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे ब्लैक सॉइल इज ऑल्सो कॉल्ड. ब्लैक सॉइल को हम एक नाम से और जानते हैं, उससे क्या कहते हैं, उससे हम कहते हैं रेगर बोले फिर रेग्यूर. ठीक है, इस स्पेलिंग बस याद कर लीजिएगा, REGUR, रेग्यूर सॉइल. ठीक है, नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर सॉइल फॉर्मेशन. इनमें से कौन से मतलब कह सकते हो कि नहीं इम्पॉर्टेंट है किसमें, सॉइल फॉर्मेशन में, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ड्यूरेशन ऑफ डे. हाँ, रिलीफ भी हमको चाहिए, रिलीफ फीचर्स, पैरेंट रॉक, क्लाइमेट, ये तीनों इम्पॉर्टेंट है सॉइल फॉर्मेशन में, बट ड्यूरेशन ऑफ डे डजेंट मैटर. ठीक है, नेक्स्ट क्या है, रेड सॉइल इज रेडिश इन कलर ड्यू टू, जो रेड सॉइल होता है वो रेड क्यों होता है, उसका कलर रेडिश क्यों होता है, इसका एक ही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, डिफ्यूजन ऑफ आयरन इन इग्निशियस एंड मेटाफोरिक रॉक, ये इसका रीजन है कि वो रेडिश कलर का क्यों होता है. ठीक है, नेक्स्ट क्या है, विच इज द मोस्ट कॉमन सॉइल ऑफ नॉर्दर्न इंडिया. इनमें से सबसे ज़्यादा हो, इनमें से कौन सा सॉइल है जो हमें कहाँ मिलता है, नॉर्दर्न साइड में, नॉर्दर्न ऑफ इंडिया, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एलुवियल सॉइल. ये हमें कहाँ मिलता है, नॉर्दर्न साइड पे. ठीक है, नेक्स्ट क्या है, रेड सॉइल इज मोस्टली फाउंड इन. अब इसमें पूछा रेड सॉइल वो कहाँ पाया जाता है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ईस्टर्न एंड सदर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू. ईस्टर्न और सदर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू. नेक्स्ट क्या है, द मेन कॉज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इन पंजाब हरियाणा वेस्टर्न उत्तर प्रदेश इज. जो लैंड डिग्रेडेशन होता है उसका मेन कॉज इन तीनों स्टेट में क्या है, तीन स्टेट आपको दी, इनमें से पूछ रहा है कि वहाँ पे जो लैंड डिग्रेडेशन होता है उसका मेन कॉज क्या है, तो ऑब्वियस सी बात, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओवर इरिगेशन. ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट माइनिंग हैज
कॉज्ड सीवियर लैंड डिग्रेडेशन। अब जहाँ मायने की बात आ जाएगी वहाँ सीधा आंसर हो जाएगा झारखंड। ठीक है, तो इसमें जो क्वेश्चन पूछा उसका आंसर क्या हो जाएगा, झारखंड। नेक्स्ट क्या है, द टोटल डिग्रेडेड लैंड इन आवर कंट्री इज, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर डी 130 मिलियन हेक्टेयर्स। ये टोटल की बात करें, टोटल डिग्रेडेड लैंड, तो इसका आंसर हो जाएगा 130 मिलियन हेक्टेयर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, रिसोर्सेज दैट टेक लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम फॉर देयर फॉर्मेशन आर कॉल्ड, ऐसे रिसोर्सेज जो बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं, मिलियन ईयर्स ले लेते हैं, तो वैसे रिसोर्सेज को हम क्या कहते हैं, वैसे रिसोर्सेज को हम कहते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नेक्स्ट क्या है, इंडिया टेरिटोरियल वाटर एक्सटेंड अप टू अ डिस्टेंस ऑफ, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 12 नॉटिकल माइल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, मटेरियल्स इन द एनवायरमेंट विच हैव द पोटेंशियल टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स बट ह्यूमन बींग्स डू नॉट हैव प्रॉपर टेक्नोलॉजी टू असेस दम, ऐसे रिसोर्सेज जो एनवायरमेंट में अवेलेबल है बट हमारे जो हम जो ह्यूमन बींग्स हैं उनके पास अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी नहीं है उसको यूज़ करने के, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऐसे रिसोर्सेज को हम क्या कहते हैं, स्टॉक, जो एनवायरमेंट में तो है बट हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है वैसे रिसोर्सेज को यूज़ करने के लिए, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्टॉक। नेक्स्ट क्या है, व्हाट परसेंटेज ऑफ आवर लैंड शुड बी अंडर फॉरेस्ट अकॉर्डिंग टू द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ इन 1952, अपना जो लैंड है कितना परसेंट होना चाहिए अंडर फॉरेस्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 33%। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज ब्लैक सॉइल फाउंड, ये हमारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, किस स्टेट में ब्लैक सॉइल फाउंड मिलता है हमें। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गुजरात में, ऐसा नहीं कि एक ही स्टेट में मिलता है और भी स्टेट्स में मिलता है, लेकिन यहाँ पे आपको ऑप्शन सिर्फ एक ही मिला है ब्लैक सॉइल का, वो है गुजरात। ठीक है, नेक्स्ट टाइम, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज टेरेस कल्टीवेशन प्रैक्टिस, ये तो बहुत इजी है, तो इसका क्या पूछे इसमें, टेरेस कल्टीवेशन प्रैक्टिस, जहाँ पे टेरेस फार्मिंग की जाती है, तो उसका ऑप्शन हो जाएगा उत्तरांचल या फिर आप कह सकते हो उत्तराखंड। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, Which of the following is the main cause of land degradation in Punjab? ये हो गया आई थिंक ना, लैंड degradation in Punjab का ऑप्शन हो जाएगा ओवर इरीगेशन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्या है, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिसोर्सेज कैन टाइडल एनर्जी बी पुट, जो टाइडल एनर्जी हम उसको किस रिसोर्सेज के अंदर पुट कर सकते हैं, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रिन्यूएबल कहिए या फिर रिपेलिनिशेबल। ठीक है, इसका दो नाम है, रिन्यूएबल का एक और नाम ये वाला है, तो जो टाइडल एनर्जी वो हम इसको कौन से रिसोर्सेस में पुट करेंगे, रिन्यूएबल रिसोर्सेस में। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिसोर्सेज इज आयरन ओर, अगेन ये क्वेश्चन पूछे जो आयरन ओर है ये किस टाइप का रिसोर्स है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, आयरन ओर हमारा किसका एग्जांपल है, नॉन रिन्यूएबल का। नेक्स्ट क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिन्यूएबल रिसोर्सेस, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सोलर एनर्जी, क्योंकि जो कोल है ये हमारा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, पेट्रोलियम भी नॉन रिन्यूएबल है, ये लोग को बहुत ज़्यादा टाइम लगता है फिर से बनने में, लेकिन जानते हैं मिलियन ईयर्स लग जाते हैं, तो और ये भी हमारा नॉन रिन्यूएबल है, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सोलर एनर्जी कैन बी पुट इनटू द रिन्यूएबल एनर्जी, ये किसका एग्जांपल है, रिन्यूएबल एनर्जी का। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज एलुवियल सॉइल इज कंसिस्ट ऑफ, जो एलुवियल सॉइल होता है उसमें क्या क्या पाए जाते हैं, वो किस किस चीज़ों से मिलकर बनता है एलुवियल सॉइल, किसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव, एलुवियल सॉइल में सैंड भी होता है, सिल्ट भी होता है, क्ले। ठीक है,
ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी जो एल्वियल सॉइल होता है वो इन तीनों चीज़ों से मिलके बनता है। तो हमने इसके आज चैप्टर वन के एमसीक्यू देख लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया, अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल भी रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।